So we have that plants and animals, their reproduction is necessary for the life. The life has to continue, it has to duplicate and give rise to the offsprings. And similarly, we have got male and female organisms are important for offsprings. And the certain organisms, in its different situations, we'll see climatic conditions. There are so many situations that are required for reproduction. So let us start with paramecium. Paramecium, you all know, is a protozoan that is a very, very old first animals, unicellular animals. They were not having different, systems like amoeba, paramecium, and all were the organisms, very primitive organisms, which have started, which gave rise to a single parent. There we did not have male and female. Only a single parent was body was getting splitted into the divided was getting divided into different parts, and that's how we were getting the new offsprings. एक पैरामैशियम को ऐसे डिवाइड होता था पहले, लाइक इट वुड बिकम डम्बल शेप, विच यू विल इवन सी इन द एनाफेज एंड टेलोफेज स्टेजेस ऑफ द सेल, हाउ इट इज ऑल हैपनिंग, एंड देन दे गिव राइज टू अ डॉटर पैरामैशियम. सो पूरा लाइफ साइकिल ऑफ पैरामैशियम अगर आप देखेंगे, तो हाउ इट इज द मैक्रो न्यूक्लियस वॉज डिवाइडिंग एंड ऑल द सब्सटेंसेस इन साइड द न्यूक्लियस एज वेल एज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग एवरीथिंग इक्वली टू ईच अदर, एंड देन इट वॉज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू अ न्यू बेबी डॉटर पैरामैशियम. सो दैट इज हाउ पैरामैशियम का लाइफ साइकिल चल रहा है. अभी भी यू विल फाइंड पैरामैशियम इन टू द वॉटर, दे आर द वॉटर ऑर्गेन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. एंड नाउ द टाइम रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस ओनली वेरियस ऑर्गेनिजम्स, इवन विद इन द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के अंदर पेनिग्यूइन, वी कैन सी हाउ पेनिग्यूइन, स्नेक्स, एलिफेंट, एंड यू हैव गॉट ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्रॉग, दे ऑल हैव गॉट द वेरी इंटरेस्टिंग वेज ऑफ रिप्रोडक्शन. सो लेट अस सी हाउ ईच ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट इट्स लाइफ साइकिल एंड रिप्रोड्यूसेस एंड एग्जिस्ट इन टू दिस वर्ल्ड. And why each and every organism that has been created has got its own importance. So let us see the formation of bacterial colony in a milk. एक बैक्टीरिया भी जो है, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यू कैन नॉट सी, यू कैन ओनली सी बैक्टीरिया अंडर अ माइक्रोस्कोप. तो लेट अस सी ये बैक्टीरिया कैसे डेवलप होता है. यू कैन सी हाउ इट इज मल्टीप्लाइंग एंड हाउ फास्ट इट मल्टीप्लाइज. टू सी दैट इट्स ग्रोथ, वॉट कैन यू डू इज यू कैन टेक अ टी स्पून फुल ऑफ कर्ड एंड मिक्स इट थरोली विथ अराउंड द टी स्पून फुल ऑफ ल्यूकवॉर्म मिल्क इन अ बाउल. एक बाउल में यू टेक ल्यूक वॉर्म, व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूक वॉर्म मिल्क, यू नो ना, कुनकुना दूध बोलते हैं आप, इट्स नॉट वेरी हॉट, इट हैज टू बी ल्यूक वॉर्म. उसमें अ स्पून ऑफ कर्ड डाल के मिक्स कर रहे, तो क्या हो जाता है, वैसा डाल के अगर आप मिक्स करके रखेंगे तो व्हाट विल हैपन, हैव यू एवर ट्राइड दिस एट होम? यस मैम, वो दही कैसा बन जाता है, पूरा दूध. या दैट मिल्क विल गेट कन्वर्टेड इनटू कर्ड. तो वो कैसा बनता, कुछ आइडिया है, व्हाट इज मेकिंग दैट मिल्क, दैट व्हाट इज कन्वर्टिंग दैट मिल्क इनटू कर्ड, कैन एनीबॉडी गेस? क्या चीज है जो उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रही है? बैक्टीरिया. यस, वेरी गुड. देयर इज अ बैक्टीरिया इनसाइड इन द एनवायरनमेंट, जो हमारे नेकेड आईज तो देख नहीं सक रहे, हमको दिखाई नहीं दे रहा है. दैट बैक्टीरिया इज कन्वर्टिंग इट इनटू कर्ड. सो व्हाट वी हैव डन इज, यू ऑल डू इट, ट्राई इट एंड ऑब्जर्व इट एट होम. यू जस्ट एड सम इनटू द ल्यूकवॉर्म मिल्क एंड देन यू टेक अनदर स्पूनफुल, और एक ले लो बाउल जिसमें ठंडा दूध, यहाँ पर आप कुनकुना दूध रख रहे, वॉर्म ल्यूकवॉर्म मिल्क. नाउ यू टेक वन मोर बाउल, इन दैट यू कीप कोल्ड मिल्क. ओके, दोनों में वन वन टीस्पून ऑफ कर्ड ऐड कर दो एंड स्टिर इट वेल एंड कीप. सो यू डू दिस एक्सपेरिमेंट एंड सी व्हाट विल हैपन टू देम. एंड
एंड देन यू आर कवरिंग देम बोथ बोथ ऑफ देम एंड ऑब्जर्व एवरी आवर, हर एक एक घंटे से यू कीप ऑब्जर्विंग कि कर्ड उसमें फॉर्म हुआ या नहीं हुआ. कैन एनीबडी टेल मी विद योर एक्सपीरियंस कौन से वाले बाउल में कर्ड जल्दी बनेगा? वार्म मिल्क और कोल्ड मिल्क? वार्म मिल्क. इन वार्म मिल्क. ओके, एनी गेसेस? एनीबडी एल्स? एवरीबडी एग्रीज विद व्हाट अरबाज सेज? इज इट वार्म मिल्क और कोल्ड मिल्क? कोल्ड मिल्क. आयशा सेज इट्स कोल्ड मिल्क. अरबाज सेज इट्स वार्म मिल्क. ओके, अरबाज कैन यू टेल मी व्हाई मस्ट वार्म मिल्क में पहले क्यों होता होगा? व्हाट मस्ट बी द रीजन कर्ड वार्म मिल्क में जल्दी बनने का रीजन क्या है? कोल्ड मिल्क में भी बन जाएगा बट इट विल टेक लॉन्ग टाइम. तो व्हाट मस्ट बी द रीजन? बिकॉज यू हैव सेड दैट देयर इज अ बैक्टीरिया व्हिच इज कन्वर्टिंग दिस मिल्क इनटू कर्ड. तो उसको क्या चीज चाहिए जो अगर वार्म मिल्क में जल्दी बन रहा है और कोल्ड में नहीं बन रहा है? तो व्हाट इज दैट डिफरेंस इन बोथ द मिल्क? किस चीज का डिफरेंस? ईस्ट. वी डोंट हैव ईस्ट. यू आर सेइंग दैट द बैक्टीरिया, देयर इज अ बैक्टीरिया दैट इज कन्वर्टिंग इट. लेकिन यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट वार्म मिल्क एंड कोल्ड मिल्क. तो ये वार्म और कोल्ड क्या चीज है? What do you, इसको क्या बोलेंगे आप? नाउ द क्लाइमेट, हाउ इज द क्लाइमेट नाउ? कोल्ड. कोल्ड. तो वो किस वजह से कोल्ड और हम उसको वार्म क्यों बोलते हैं? क्या क्या चीज रहती दैट मेक्स इट वार्म? When you see the weather forecast, उसमें क्या बताता है? क्या देखते हैं हम लोग to know whether the climate is cold or warm today? What is that we are checking? Degrees, I think so. Which degrees? Degrees उसको क्या बोलते हैं हम लोग? You are telling, calling it as temperature. Very good. So temperature is, there is some, यहाँ पर ये warm milk का जो temperature है वो bacteria के लिए बहुत कंजीनियल है, उसके लिए बहुत अच्छा टेम्परेचर है वो, तो वहां पर जल्दी कर्लिंग हो जाएंगी. लेकिन कोल्ड मिल्क में उसको बहुत टाइम लगेगा बिकॉज द बैक्टीरिया कैन नॉट डेवलप सो फास्ट. नाउ आई थिंक वी इट मे स्टॉप एनी टाइम, द टाइम इज ओवर. सो प्लीज गो थ्रू दिस, आई विल शेयर दिस वीडियो ऑल्सो एंड ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग इट एंड कम बैक फॉर द क्लास टुमारो अगेन. सो सी यू ऑल टुमारो. The time is up, I think. Anytime we may shut down. So this video, I'll be sharing it in your group. Go through it and yesterday's as well as today's. Be thorough into that and all the terminologies which I have given. So then it will become easy for you to understand the rest of the chapter. And then we'll see how these bacteria colonies are being reproduced, duplicated, generated. And then how is it happening when we are moving from, you know, microscopic organisms like bacteria, paramecium to the higher organisms like, you know,